अगर सिर और रीढ़ में एकाग्रता बढ़ाते हैं तो आनंद की अनुभूति शीघ्रता से होती है। तो सिर और रीढ़ अपना मध्य मार्ग है, ये क्रिया योग ध्यान में इस पर एकाग्रता बढ़ाते हैं तो पता चलता है इसमें माया की दो शक्तियाँ चलती हैं। जब अधोगामी होती हैं तो हम ही राक्षस की तरह व्यवहार करते हैं, शक्तियाँ जो ऊपर की ओर जाती हैं हम ही देवता की तरह व्यवहार करते हैं। तो राक्षस देवता में बदलते बदलते एक दिन हम आ जाते हैं, इन दोनों से मुक्त हो जाते हैं तो सुषुम्नागामी हो जाते हैं। जब सुषुम्नागामी होते हैं तो ये देखने में आता है नाभि से सुषुम्ना दो भागों में बटी है, एक भ्रूमध्य से होकर के सहस्रार पर, एक पीछे से होके गई है। तो यहाँ जा कर के दोनों मिलती नहीं है। जब इसको मिला देते हैं तो स्वेच्छा से आदमी शरीर छोड़ता है, स्वेच्छा से आता है। तो इसी के अंदर जो ज्ञान छिपा उसी को श्री कहते हैं, उसको मिलने के बाद वही विद्या मिल जाती है। कुछ भी बताने के लिए कुछ सिद्धांतों को बताना आवश्यक होता है। जैसे अगर हम कहते हैं कोई एक फल है आम है तो बताना पड़ता है आम वो है, उसको लेके कैसे खाइए। ऐसे क्रिया एक साधना सरल बहुत है लेकिन कुछ बताना अवश्य पड़ता है। और जो भी आप सुनते हैं हर शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, तो निश्चित नहीं कि जो आप सुनिए उसको वही समझिए जो हम बताना चाहते हैं। लेकिन जब आप अभ्यास करते हैं तो लगभग जो हम कहना चाहते हैं जिन शब्दों के माध्यम से वह आपको अनुभव होने लगता है। इसलिए सुनने के बाद अभ्यास आवश्यक है। अगर केवल सुना और पढ़ा जाए तो कन्फ्यूजन बढ़ता है। इसे एक लाइन सुनिए, अभ्यास करिए। इसको पूर्ण विज्ञान इसलिए कहते हैं कि इसको सुन करके अभ्यास करना आवश्यक है। फिजिक्स केमिस्ट्री में है, एक एक महीने पढ़िए सुनिए, अभ्यास दो दिन करिए, इसमें सुनिए थोड़ा अभ्यास ज़्यादा करिए, औरों में यह अंतर है। तो आपको बताने के लिए सुविधा होगी कि हम आपको बोर्ड पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। और बहुत खुशी है कि शिव विद्यापीठम में अभ्यास हो रहा है। हो सकता है ना पता हो लोगों को, क्रियायुग की जो मुख्य साधना ही शिव विद्या साधना है। वो कैसे है और थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। आदि शंकराचार्य इसके मर्मज्ञ थे। आदि शंकराचार्य को जो दीक्षा दिए थे महावतार बाबा दिए थे, उन्होंने प्रहलाद को भी दिया था, मध्ययुगीन कबीर को दिया था, जीसस क्राइस्ट 18 वर्ष उनके साथ रहे हैं, फिर 1861 में लहरी महाशय को दिया। तो क्या चीज़ है एक मिनट आपको मैं स्पष्ट कर दें। श्री विद्या का एक जो मंत्र है, सारे मंत्र अपने अंदर से ही प्रकट होते हैं और अपने अंदर में ही समा जाते हैं। जो सिर और रीढ़ है इसके अंदर जो शक्ति बहती है, इसी शक्ति से हमारी आँख कान नाक पैर हाथ फेफड़ा हृदय सारी एक एक कोशिकाएं यहीं से जुड़ती हैं। तो अगर किसी को सिर और रीढ़ मन को एकाग्र करने की क्षमता हो गई तो उसको जोड़ने की सामर्थ्य होती है। कैसे परिवार के सभी लोगों को जोड़ें, समाज में जोड़ें और राष्ट्रीय एकता अंतर्राष्ट्रीय एकता स्थापित करें। तो जो अपना ये स्वरूप है, ये सिर से पैर की उंगली तक, इसमें एक स्थान है जिसको मेडिकल साइंस में मेडुला कहते हैं और योग शास्त्र में इसी को नाभि केंद्र कहते हैं। मेडुला का अर्थ भी नाभि ही होता है, न्यूक्लियस होता है। किसी भी चीज़ के नाभि को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। अगर नाभि डिस्टर्ब किए तो स्वरूप की क्रियाशीलता शून्य हो जाती है। इसलिए आज तक इसका ऑपरेशन नहीं हो पाया है।
ब्रेन का हो गया है, स्पाइनल कार्ड का हुआ है, हार्ट किडनी सब का हुआ है, इसका नहीं हुआ है। यहाँ कुछ भी होता है तो सर्जन छूने से मना कर देता है। इसी को बाइबिल में माउथ ऑफ गॉड कहा गया है। माउथ ऑफ गॉड क्यों कहते हैं, प्रभु का मुंह क्यों कहते हैं? जैसे हमारा एकाग्र हो जाता है तो हम जो बोलते हैं प्रभु की वाणी होती है, भगवान उवाच होता है। तो यहाँ से शक्ति आती है, जो शक्ति ब्रह्मांड में फैली हुई है, जिसको हम निराकार परब्रह्म की शक्ति कहते हैं, वो जब मायक रूप में प्रकट होती है तो भौतिक जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत तीन रूपों में प्रकट होता है। तो शक्ति यहाँ आती है, यहाँ से नीचे जाती है, यहाँ से बाहर निकलती है, ये क्रम होता है। यहाँ से भ्रूमध्य पर जाती है, फिर यहाँ से सहस्रार में आती है। तो इस शक्ति का तीन रूप होता है। एक रूप होता है ऐसे जो लहर की तरह चलता है, और दूसरा रूप होता है ये भी लहर की तरह चलता है। जहाँ पर लहर होती है वहाँ द्वंद होता है, और बीच में जो सीधी रेखा है ये द्वंद से मुक्त है, इसे को सुषुम्ना कहते हैं। सुषुम्ना यहाँ पर बाइफरकेट हो जाती है, जब पहुँचती है एक इधर से जाती है, एक इधर से आती है, और बीच में ये जगह खाली होता है। इसके बीच में जब दोनों को मिलाते हैं, जो शक्ति प्रकट होती है उसी को श्री शक्ति कहते हैं। और जब शक्ति प्रकट हो जाती है तो विद्या आती है, इसलिए श्री विद्या का उद्भव स्थान यही है। लेकिन होता क्या है, जब सुषुम्ना भूमध्य की ओर जाकर के ऊर्ध्वगामी होती है, या पीछे से जाकर के ये मिलना चाहती है इससे, तो बीच में मिल नहीं पाती है। ये मिल कब पाती है, जब हमारा मन महरलोक में आ जाता है दशम द्वार में। जब दशम द्वार महरलोक में आ जाता है तो हमारा जो जीवात्मा है, जिसको अंग्रेजी में ईगो कहते हैं, जिसको सामान्य भाषा में जीवात्मा कहते हैं, जीवात्मा तब होता है जब भूल जाता है कि हमारे परमात्मा बीच में दूरी नहीं है। जब दूरी दिखाई पड़ती है वही आत्मा जीवात्मा हो जाता है। जब ईगो को हम ऊर्ध्वगामी करते हैं तो ऊर्ध्वगामी करते करते जब आते हैं मेडुला पर, फिर यहाँ से जब सहसार की ओर आते हैं तो जगह बंद होती है। अगर इसमें कोई ज़बरदस्ती करे तो उसकी शरीर छूट जाती, पकड़ नहीं पाता है। तो इसका एक नियम है ये। और जब इसका मुख खुल जाता है तो जो शक्ति प्रकट होती वही श्री है शक्ति, और वहीं से विद्या का जन्म होता है, जिसको विद्या कहते हैं। अविद्या को साइंस के रूप में आप समझिए तो एटम को अविद्या कहते हैं। एटम क्या है, जैसे मांस, किसी चीज़ के मांस हो, वॉल्यूम हो, उसका लंबाई चौड़ाई होता नहीं है, लेकिन एटम में लगता का है ये। तो एटम की अनुभूति, मास, वॉल्यूम, टाइम, स्पेस की अनुभूति, यही अविद्या है। जब यहाँ पर मन एकाग्र होता है तो अविद्या समाप्त होकर के विद्या प्रकट हो जाती है। यह संक्षेप में है ये कि कैसे शिव विद्या क्रियायोग के गूढ़ मंत्र का ही प्रारंभ है ये, और यही लोगों ने पाया है लहरी महर्षि। इसे खर चक्र भेदन भी कहते हैं। कबीर साहब इसके बहुत बड़े ज्ञाता थे, नानक देव थे, संत रविदास भी थे, लेकिन जो कबीर साहब लहरी महाशय, जो कबीर साहब वगैरह चीज़ें वो खो गई, प्रकट नहीं हुई, लहरी महाशय के माध्यम से फिर से प्रकट हुआ ये। इसी को परमहंस योगानंद अमेरिका में 32 वर्ष फैलाए, और उन्होंने कहा था कि अब हम भारत में आ रहे हैं। तो ऐसा लगता है इन लोगों की आत्मा की शक्ति ही इस कार्यक्रम में लगी हुई है जो हम कर रहे हैं, क्योंकि आज तक ना आरती हुई, न चढ़ावा है, न कोई फीस है, न कोई ग्रांट है, न कोई बिजनेसमैन एक आया, लेकिन आश्रम बन करके अपने आप तैयार हो गया। ऐसे यहाँ पर, ऐसे कनाडा में भी, वहाँ 40 एकड़ बना है, यहाँ पे 15 एकड़ है, 180 बीघा और है टेक्निकल चीज़ों के लिए। तो अगर कोई इसका वास्तव में अभ्यास करे तो उसको किसी प्रकार के कष्ट नहीं होता है। तो हम आपको सीधा अभ्यास कराएंगे हम, क्योंकि समय कम है। अभ्यास हम क्या कराएंगे सुन लीजिए।
आपको सत्य के साथ जोड़ेंगे हम। तो सत्य है क्या? कहते ना कि अंतिम सत्य मृत्यु है। मृत्यु है यही असत्य है, मृत्यु होती ही नहीं है। अगर मृत्यु है तो पानी को मारिए, आग में डालिए, भाप बन गया, ठंडा करिए, बर्फ बन गया। इलेक्ट्रोलिसिस होती है, आपने किया हाइड्रोजन ऑक्सीजन बदल गया, तो पानी तो एटम में बदल गया, एटम की एनर्जी में बदल दीजिए, एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड बदल दीजिए, मरा कहाँ? आसमान, वायु, अग्नि, ऊर्जा, एटम, कोई भी नहीं मरता है, तो हम ही क्यों मरेंगे? लेकिन चूंकि अपने से हम घृणा करते हैं, जैसे हम थक गए, थकावट हो नहीं सकती है क्योंकि ऊर्जा का रूप है, साकार रूप है। तो जो अपनी ऊर्जा के जिस डायमेंशन को हम पसंद नहीं करते हैं, उसकी निंदा करते हैं कि थकावट है, ये दुख है। तो अगर हम अपना सम्मान करना सीख लें हम, तो अपने आप अंदर से विद्या का जन्म होने लगता है। अगर हम अपना सम्मान करेंगे तभी आपका सम्मान करेंगे। सम्मान न तो माला से होता है, न तो वस्त्र से होता है, न और किसी पैसा देने से होता है। सम्मान की एक विधि है, उस सम्मान में आप जुटेंगे तो हर संसाधन अपने पास आपके पास आएंगे। जितने पैसा चाहिए, जितनी सुविधाएँ चाहिए, जितने लोग चाहिए, ये स्वतः आते हैं, यही लहरी महर्षि ने कहा है। तो सत्य से कैसे जुड़े हम, ये हम आपको 20-25 मिनट का अभ्यास कराते हैं। अभ्यास अगर मन लगा के करेंगे तो दिन भर की थकावट शून्य हो जाती है, ये गारंटी है। लेकिन जो सुनिए उसको गलत मत मानिएगा। जब धूल का कण नहीं मरता है, पानी नहीं मरता, आसमान नहीं मरता, हवा नहीं मरती, तो सिर से पैर की उंगली तक है क्या? ये वही पंच तत्व तो है। अगर अलग अलग नहीं मरते हैं तो मिलके भी नहीं मरेंगे, तो फिर गायब क्यों हो जाता है? क्योंकि हम इसकी इसको घृणा करते हैं, इसके अनुभूति को थकावट कहते हैं, हम दुख कहते हैं, इसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो क्रियायोग ध्यान में सक्सेसिव लेसन्स हैं, क्रमशः पाठ है कि अपना सम्मान कैसे करिए। जैसे जैसे अपना सम्मान करेंगे, औरों को सम्मान करने की विधि आएगी। नहीं तो औरों को सम्मान जब करेंगे तो इमोशनल करेंगे, और सम्मान में एक आंशिक सम्मान होता है, पूर्ण सम्मान नहीं होता है। आइए सीधा आपको अभ्यास की ओर ले चलते हैं। जो आ जाए करिए, समझिए मत। जैसे आज तक प्रकाश क्या है कोई समझ नहीं पाया है, एटम क्या है कोई समझ नहीं पाया है, तो कितना भी समझने का प्रयास करेंगे समझ नहीं पाएंगे। इसे सुन के अभ्यास करिए और अभ्यास समझ में आएगा, एक गारंटी है। आई एम गोइंग टू गिव प्रैक्टिस, आई रिक्वेस्टेड देम नॉट टू अंडरस्टैंड, जस्ट फॉलो द प्रैक्टिस। वट एवर आई एम गोइंग टू डू, आई विल टॉक वन लाइन इन इंग्लिश ऑल्सो, देन यू कैन डू टुगेदर। आंखें हम बंद कर लें, लेट अस क्लोज आवर आईज। जब विद्या प्रस्फुटित होती है अंतःकरण में, तो ज्ञान होता है एको अहम बहुश्याम। द मोमेंट विद्या, इटर्नल ऑम्निशियंट कॉन्शसनेस, अवेकन्स विद इन, देन वी एक्सपीरियंस अल्टीमेट ट्रुथ, गॉड हैज बिकम ऑल। दोनों हथेली को हम नाभि केंद्र पर रखें, जो सिर का पिछला भाग है, जिसे मेडुला क्षेत्र कहते हैं। प्लेस बोथ पाम ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हेड न्यूक्लियस। सिर और रीढ़ ये मध्य में है, इसके दाहिनी तरफ, बाई तरफ दोनों भागों को ये जोड़ता है। तो सिर और रीढ़ को मध्य क्षेत्र कहा गया है, इसी को मध्य मार्ग कहते हैं। जब इसमें एकाग्रता बढ़ाते हैं, इसे अच्छी तरह से अनुभूति करते हैं,
तब ज्ञान होता है कि मध्य मार्ग है क्या, जिसे अनंत का मार्ग कहते हैं, असीमता का मार्ग कहते हैं, जोड़ने का मार्ग कहते हैं। प्लेसिंग बोथ पाम ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हेड, लोकेट हेड एंड स्पाइन मिडिल पाथ। व्हेन वी लर्न हाउ टू प्लेस कंसंट्रेशन ऑफ माइंड ऑन हेड एंड स्पाइन मोर एंड मोर, देन वी रियलाइज मिडिल पाथ इज पाथ ऑफ इन्फिनिट, पाथ ऑफ यूनिटी। फील हेड एंड स्पाइन मोर एंड मोर, फिर हाथ को ऊपर की तरफ उठाएं। इस समय भी सिर कहाँ है, रीढ़ कहाँ है, याद रखें। रेज आर्म्स अप, लोकेट हेड एंड स्पाइन अगेन एंड अगेन। माथे पर जहाँ टीका लगाते हैं भ्रूमध्य, याद करें भ्रूमध्य कहाँ पर है। ट्राई टू लोकेट भ्रूमध्य। कंसंट्रेशन ऑफ माइंड ऑन फोरहेड, पॉइंट ऑन फोरहेड बिटवीन आईब्राउज। फिर दोनों हथेली को हम सिर के पीछे रखें। अगेन प्लेस बोथ पाम ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हेड। नाउ ऑब्जर्व ब्रेथ, फील प्रेजेंस ऑफ ब्रेथ, कीपिंग आईज क्लोज्ड। आँख बंद रखते हुए श्वास में एकाग्रता बढ़ाएं। भ्रूमध्य के सामने बंद आँखों के साथ जो कुछ हम देख रहे हैं, इस दृश्य में एकाग्रता बढ़ाते जाएं। अमर शक्ति इस रूप में प्रकट हो रही है। द विजन इन द स्पेस अराउंड फोरहेड इज इमॉर्टल कॉन्शसनेस। नाउ कर्व हेड एंड स्पाइन स्लोली विथ कंफर्ट टुवर्ड्स राइट लेफ्ट बैकवर्ड फॉरवर्ड। बहुत धीरे धीरे हम आराम से सिर और रीढ़ को दाहिनी तरफ बाईं तरफ इस प्रकार हम झुकाएंगे, मोड़ेंगे कि मोड़ने में अच्छा लगे। व्यायाम की तरह नहीं मोड़ेंगे, मोड़ने का लक्ष्य है कि जो परिवर्तन प्रकट करें ये परिवर्तन अच्छा लगे, सुखद हो। याद रखें ये मध्य मार्ग है। ये ट्राई टू रिमेंबर हेड एंड स्पाइन इज मिडिल पाथ, फॉलो द मिडिल पाथ। प्लेस कंसंट्रेशन ऑफ माइंड ऑन हेड एंड स्पाइन मोर एंड मोर। सिर और रीढ़ पर और एकाग्रता बढ़ाएं। धीरे धीरे दाहिनी तरफ फिर बाईं तरफ इस प्रकार के हम मोड़ेंगे, झुकाएंगे कि सिर और रीढ़ के प्रत्येक बिंद पर जो परिवर्तन हो अच्छा लगे। याद रखते हुए सिर और रीढ़ मध्य मार्ग है। जैसे जैसे मन इसमें एकाग्र होता है, अंदर से ज्ञान प्रकट होता है, हम कैसे जुड़ें और जोड़ें। पारिवारिक एकता, सामाजिक और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। फिर हाथों को ऊपर उठाएं, रेज आर्म्स अप, मुट्ठी बंद करें खोलें, क्लेंच फिस्ट ओपन पाम अल्टरनेटली। हाथों को ऊपर नीचे करें, मूव आर्म्स अप एंड डाउन। हाथों को मोड़ें और फैलाएं, फोल्ड आर्म ओपन आर्म। दाहिने और बाएं पैर को कड़ा ढीला करें, टेंस रिलैक्स, और राइट एंड लेफ्ट लेग अल्टरनेटली। फिर दोनों हथेली को हम नाभि केंद्र पर रखें, मेडुला क्षेत्र पर रखें, जिसके अंदर शक्ति है जो आदेश देती है कि हार्ट बीट कितनी हो, शरीर का आकार प्रकार कितना हो। इसीलिए यहाँ के इस आदेश केंद्र को आज्ञा चक्र भी कहते हैं। प्लेस बोथ पाम ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हेड। दिस इज द सीट वेयर वी गेट डायरेक्शन, डायरेक्शन फॉर द हार्ट बीट, पल्स रेट, मेटाबॉलिक फंक्शन विद इन हेड टू टोज। देयरफॉर दिस प्लेस इज कॉल्ड सीट ऑफ
आज्ञा चक्र. नाउ कर्व हेड एंड स्पाइन स्लोली बैकवर्ड. धीरे धीरे हम सिर और ईर को पीछे की तरफ झुकाएं. इस तरह से झुकाएं कि झुकाने की क्रिया में जो परिवर्तन प्रकट हो अच्छा लगे. ट्राई टू कर्व बैकवर्ड टू क्रिएट कंफर्टेबल चेंजेस. फिर धीरे धीरे हम पूर्व स्थिति में लाएं. रिटर्न स्लोली टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन. फिर धीरे धीरे हम आगे की तरफ झुकाएं. नाउ कर्व फॉरवर्ड स्लोली. झुकाने की क्रिया सावधानी से करें. उतना ही झुकाएं जितना झुकाने में परिवर्तन अच्छा लगे. याद रखें सिर और रीढ़ मध्य मार्ग है, जोड़ने का मार्ग है, असीमता का मार्ग है. रिटर्न हेड एंड स्पाइन स्लोली टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन. कर्व बैकवर्ड फॉरवर्ड वंस मोर स्लोली. पीछे की तरफ आगे की तरफ एक बार फिर से हम धीरे धीरे झुकाएं. इस तरह से झुकाएं झुकाने की क्रिया अच्छा लगे. ट्राई टू कर्व टू क्रिएट कंफर्टेबल चेंजेस ऑन ईच एंड एवरी सेगमेंट ऑफ हेड एंड स्पाइन. ऑब्जर्व ब्रेथ विद डीपेस्ट डिवोशन. श्वास में हम एकाग्रता बढ़ाते जाएं. वी आर प्रैक्टिसिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्रिया योगा साइंस. क्रिया योग आध्यात्मिक विज्ञान के हम सार्वभौमिक सिद्धांत का अभ्यास कर रहे हैं. फिर हाथ ऊपर उठाएं. रेज आर्म्स अप. मुट्ठी बंद करें, खोलें. क्लेंच फिस्ट ओपन पाम अल्टरनेटली. हाथों को ऊपर नीचे करें. मूव आर्म्स अप एंड डाउन. हाथों को मोड़ें और फैलाएं. फोल्ड आर्म्स ओपन आर्म्स अल्टरनेटली. अब दोनों हाथ के सहारे सिर से पैर की उंगली तक एक एक भाग को पकड़ कर दबा करके स्पर्श करें. इस भावना के साथ जिसे सद्भावना कहते हैं, सद विचार, सच्ची धारणा कि अमर तत्व का यह साकार रूप है. प्लेस बोथ पाम ऑन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ हेड टू टो. स्टार्ट फ्रॉम हेड. टच इट, प्रेस इट, फील इट विद द टू आइडिया, थॉट एंड कॉन्सेप्ट. That what we are realizing, experiencing is visible presence of immortal consciousness. Matha, aankhein, naak, forehead, eyes, nose, cheeks, dono gaal, oath, lips, lower jaw, upper jaw, nichla jabda, upar ka jabda, ear, around ear, kaan, iske charo taraf ka kshetra, neck, गला, पोस्टीरियर, एंटीरियर, लैटरल साइड्स. गला, इसके चारों तरफ का क्षेत्र पकड़ कर स्पर्श करके अच्छी तरह से अनुभव करें. अमर तत्व की अलौकिक उपस्थिति है. दाहिना हाथ, बायां हाथ और राइट आर्म, लेफ्ट आर्म. सीना और पेट, चेस्ट एंड एब्डोमेन. लैटरल साइड ऑफ द ट्रंक, ट्रंक का दाहिना और बायां तरफ का भाग. पीछे का भाग, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ बैक. अपर मिडिल एंड लोअर. ऊपर का भाग, बीच का और नीचे का भाग. इस तरह से हाथों को पीठ पर रखें जो अच्छा लगे. कहीं ऐसा अभ्यास न करें कि खिंचाव में अर्जी हो. लोअर बैक, हिप्स, हिप जॉइंट्स, थाइस, कमर, नितंब, जांग, जांग का जोड़, नी जॉइंट, घुटना, कॉफ मसल्स, पिंडलियम, एंकल जॉइंट्स, टखना, बोथ फीट, पैर के पंजे, टोज, अंगुलियां, नेल्स ऑफ द टोज. फिर नाक से दो बार में श्वास लेते हुए अंगड़ाई लें. फिर डबल इनहेलेशन थ्रू नोज, स्ट्रेच ऑल पार्ट्स. मुंह से दो बार में श्वास निकालते हुए ढीला करें. डबल एक्सहेलेशन थ्रू माउथ, रिलैक्स ऑल पार्ट्स. रिपीट वंस मोर. एक बार फिर से दोहराएं.
नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड क्लियरली एनी कोई भी अभ्यास जो हमारे जीवन की समस्याओं को दूर नहीं करता है वो माया भी होता है। भारतीय संस्कृति में कहा गया है सांस को आंचनी। भारतीय संस्कृति सच से जुड़ने की क्रिया है। अगर साथ में हमारा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गठिया बीमारी, चिंता, गरीबी, अज्ञानता दूर नहीं हो रही है तो साधना में माया कहीं से घुसा है, हमें खोज करनी पड़ेगी। इसलिए लाड़ी महाशय ने कहा है जितनी प्रकार की दिक्कतें हैं समाज की सब क्रिया योग से सॉल्व करिए, हमेशा के लिए सॉल्व होगा। जैसे हम वाइटलिटी बढ़ा करके सारी बीमारी दूर कर सकते हैं, दवा खा करके आराम मिलेगा, बीमारी फिर आएगी। तो क्रिया योग ध्यान से जब समस्याएं दूर होती हैं हमेशा के लिए दूर होती हैं। अन्य विधि से दूर करेंगे तो सामयिक दूरी होती है, ऐसा लड़ी महाशय ने कहा और दिखाया भी उन्होंने, जो कहा करके दिखाया। इक्तेश्वरगिरी किए करके दिखाए। जब हमारे धर्म ग्रंथों की व्याख्या गलत हो गई कि भगवान राम ने सीता को बाहर निकाल दिया धोबी के कहने पर, त्रेता युग में तो धोबी होता ही नहीं होता, वहाँ तो जातिवाद थी नहीं, धोबी कहाँ से आ गया। भेलिनी सबरी थी जिसका जूठा बे राम ने खाया, शूद्र थी, त्रेता काल में जातिवाद नहीं था। इसलिए महातार बाबा ने निर्देश दिया इक्तेश्वरगिरी को एक सदग्रंथ लिखिए जिसमें सभी धर्म ग्रंथों को जोड़ दीजिए। तो होली साइंस स्वामी इक्तेश्वरगिरी ने लिखा 1894 में, प्रयाग में कुंभ मेला लगा था। लाड़ी महाशय ने इक्तेश्वरगिरी से कहा जाके कुंभ मेला घुमाओ। उनको पता था महातार बाबा वहाँ आएंगे, इनसे मिलेंगे। तो वहाँ जब बटवी से उसी के नीचे मुलाकात किया, एक किताब लिखने का निर्देश दिया और ये कहा कि एक कोई शिष्य आएंगे जो अमेरिका जाएंगे, आपके यहाँ ट्रेनिंग लेंगे, परमहंस योगानंद थे वो। परमहंस योगानंद समाधि के ठीक पहले कहा ओ इंडिया आई विल बी देयर। तो ये सदग्रंथ ऐसा लिखा गया है, इसकी गहराई में आई तो इसमें सारे वेद मिलते हैं, कबीर की शिक्षा, नानक देव की शिक्षा, बाइबिल, जीसस क्राइस्ट की शिक्षा, मोजेज की शिक्षा, सारी शिक्षाओं का इसमें सार है। और मैंने प्रयोग करके देखा, इसका अभ्यास करने के बाद हमारे यहाँ ऐसी ऐसी बीमारियाँ थी जो कभी ठीक नहीं हो सकते थे, डॉक्टर लोग अमेरिका कैनेडा के आए, ठीक हो गए। तो महातार बाबा की कृपा से, इनके सहयोग से ये सदग्रंथ लिखा गया। कल हम क्लास लेंगे तो इसी का रेफरेंस दे के क्लास लेंगे हम, जिससे आपको पता चले कि हम बता कहाँ से रहे हैं। जो चीज बता रहे हैं हो सकता हमारी कल्पना हो, लेकिन अगर कहीं आपको लिखा भी मिले और करने के बाद ठीक भी हो जाए तो सिद्ध हो गया कि सही है। जैसे कल जो क्लास लेंगे हम उसका रेफरेंस बुक हम होली साइंस लेंगे हम। आज जो हमने बताया था एक मिनट में दोहरा दें जिससे आप भूलिए मत। हमारे पूरे कहा ना गौतम बुद्धा ने कहा कि मध्यम मार्ग लीजिए, बाइबिल में है मध्यम मार्ग से चलिए, अपने यहाँ मध्यम मार्ग लीजिए। लोग कहते हैं न ज़्यादा गर्मी न कम गर्मी, मध्यम, ये नहीं है मध्यम मार्ग, ये तर्क वितर्क से है मध्यम मार्ग। समुद्र के मध्य में गहराई सबसे ज़्यादा, पहाड़ के मध्य में ऊंचाई सबसे ज़्यादा, मध्यम मार्ग को अनंत का मार्ग कहते हैं। तो जो मार्ग बाहर है अंदर भी है, अंदर हर जगह एकाग्रता बढ़ाइए, अनंत की अनुभूति में समय लगता है। अगर सिर और रीढ़ में एकाग्रता बढ़ाते हैं तो अनंत की अनुभूति शीघ्रता से होती है। तो सिर और रीढ़ अपना मध्य मार्ग है, क्रिया योग ध्यान में इस पर एकाग्रता बढ़ाते हैं तो पता चलता है इसमें माया की दो शक्तियाँ चलती हैं। जब अधोगामी होती हैं तो हम ही राक्षस की तरह व्यवहार करते हैं, शक्तियाँ जो ऊपर की ओर जाती हैं हम ही देवता की तरह व्यवहार करते हैं। तो राक्षस देवता, राक्षस देवता में बदलते बदलते एक दिन हम आ जाते हैं, इन दोनों से मुक्त हो जाते हैं तो सुषुम्नागामी हो जाते हैं। जब सुषुम्नागामी होते हैं तो ये देखने में आता है नाभि से सुषुम्ना दो भागों में बटी है, एक भ्रूमध्य से होकर के सहस्रार पर, एक पीछे से होके गई है। तो यहाँ जा कर के दोनों मिलती नहीं है। जब इसको मिला देते हैं तो स्वेच्छा से आदमी शरीर छोड़ता है, स्वेच्छा से आता है। तो इसी के अंदर जो ज्ञान छिपा उसी को श्री कहते हैं, उसको मिलने के बाद वही विद्या मिल जाती है।